सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण यादव आप सब लोगों का आज फिर से मेरे फार्म पर स्वागत करता हूं। आज कई दिनों बाद में इस वीडियो को मैं लेके आया हूं किसान भाइयों के लिए। देखो किसान भाइयों की कई समस्या ये रही कि बारिश में केंचुए बाहर निकल गए और बारिश की वजह से हमारे केंचुए का बहुत नुकसान हुआ। आप सबके सामने ये मेरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है जो भी ओपन के अंदर है। देखो केंचुए के ऊपर छाया करने का तीन से चार महीना सबसे क्रिटिकल होता है, वो है मार्च अप्रैल मई जून। ये चार महीने केंचुए के ऊपर छाया करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ग्रीन नेट से छाया आप कर सकते हैं, बारिश के अंदर आप ग्रीन नेट से छाया करेंगे तो भी पानी तो उसके अंदर आएगा, है ना। इसलिए देखो क्या है कि या तो आप पक्का स्ट्रक्चर करें, पक्का टिन शीट बनाएं और पक्की छाया करें, लेकिन किसान भाइयों के पास इतना बजट नहीं होने के कारण समस्या अब ये है कि इसको ओपन में कैसे करें। देखिए किसान भाइयों, बारिश के अंदर ये 100% सत्य है कि केंचुए 5 से 10% बाहर जाते ही जाते हैं, लेकिन बारिश के पानी से केंचुए की ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। इसलिए किसान भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बारिश से डरने के कारण आप पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप इसी प्रकार से ओपन के अंदर इसको कर सकते हैं और आप घबराएं नहीं। केंचुए बाहर जाएंगे उससे डबल तो उस बारिश के पानी से केंचुए बढ़ेंगे भी, है ना। तो बस आज इस वीडियो का आप लोगों के सामने इतना ही मैं पेश करूंगा कि आप बारिश के अंदर भी इसी प्रकार से खुले के अंदर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा सकते हैं। अब जो समय है वो है अक्टूबर का, और ये टाइम ऐसा टाइम है कि ना सर्दी है ना गर्मी है और ये बिल्कुल कूल मौसम है। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्टार्ट करें। इस समय जो वर्मी कंपोस्ट का काम जो किसान भाई स्टार्ट करता है उसमें केंचुए की ग्रोथ ही बहुत फास्ट होती है और उसका एनवायरमेंट भी केंचुए को बहुत अच्छा मिलता है। जो ट्रांसपोर्ट के अंदर हम केंचुए बेचते हैं उसमें भी कोई डैमेज का इश्यू नहीं आता है। इसलिए मेरा यही आप सब लोगों से निवेदन है कि जो किसान भाई वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहता है एक बार मेरे से आप कॉन्टेक्ट करें और एक बार मेरे फार्म को आप ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको A to Z जानकारी विद टेक्निकल नॉलेज आपको दी जाएगी। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। आपको अच्छा लगे तो हमसे आप कल्चर खरीद सकते हैं। कल्चर की बात यहाँ आ गई तो मैं आपको बता दूं कि मेरे 1 किलो में पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा कल्चर मैं किसान भाई को उपलब्ध कराता हूँ। 1 किलो में लगभग 2000 से 2500 केंचुए मैं किसान को उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट थी जो पहले केंचुए बहुत कम देती थी, आज मेरे ही कारण, मेरे कंपटीशन के कारण उन्होंने भी केंचुए की संख्या अधिक कर दी है। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी दीपावली की तरफ से और कि आने वाले समय में केंचुए क्वालिटी और क्वांटिटी और स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ और बढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आप एक बार मेरे फार्म पर आके आप सेवा का मौका दें, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के टेक्निकल नॉलेज मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।